कोई नहीं, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको कंटिन्यू करते हैं रोटेशन। ठीक, इसमें नहीं है, मैं गुस्से में ले आऊंगा। सॉफ्टवेयर से काम नहीं कर रहा था। सर कंट्रोल भी बार बार नहीं बजेगा। कंट्रोल वी, हाँ जी, तो हाँ एक बार कॉपी कर ले, फिर कंट्रोल वी करते जाओ, वो होता जाएगा। अब जैसे ये सब उसको हो गया, नया से कॉपी कर रहे हैं। नहीं वो वैल्यूज चेंज हो गई ना, जब नई वैल्यूज देते हैं तब ऐसे करते हैं। नहीं मतलब इन सेंस कि उसी में ही आप दोबारा से कॉपी कर रहे हो ना, एक ही रो हाँ में भी। हाँ उसी में कॉपी करता जा रहा हूँ। बोले क्या? हाँ कंपोजिशन सेटिंग्स को फिर से चेंज कर दो, फिर से जाओ राइट क्लिक कंपोजिशन सेटिंग्स, यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा दो। हाँ तो तुम्हारी फिर से वो दिखने लगी। ठीक है, यहाँ कोई चीज परमानेंट डिलीट या गायब नहीं होती है जब तो तुम प्रोजेक्ट विंडोज से ना हटा दो। अभी से ये हो गया एनिमेशन। अब ये हमारा मेन कॉम्प था, ये तो हमारा इंडोर फ्लाई का कॉम्प था जिसमें हमने अपने फ्लाई को एनिमेट करा। अब इसको अपने मेन कॉम्प में ले जाते हैं, प्रोजेक्ट विंडो, इंडोर फ्लाई, ड्रैग, या जो कॉम्प है इसका इंडोर फ्लाई का, उसको ड्रैग करते हैं अपने मेन कॉम्प में। ड्रॉप आ गया, चल रही है। अब क्या करते हैं, इसका स्केलिंग डाउन करते हैं, स्केलिंग डाउन। ठीक है, अब मुझे इसको रैंडम इधर उधर जाते हुए दिखाना है। उस कंडीशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मोशन स्केच, विंडोज में जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन है मोशन स्केच, ये रहा, क्लिक करो। मोशन स्केच क्या करता है, जो माउस का कर्सर होता है उसको ट्रैक करता है कि वो किधर किधर मूव हो रहा है, और फिर वही ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन उठा के हमारे इसमें डाल देगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। और सबसे पहली चीज, ये जो मोशन स्केच है ये डायरेक्ट अपने फ्लाई पे अप्लाई मत करो, सबसे पहले एक नल ऑब्जेक्ट लो, न्यू नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट आ गया, नल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है यानी हमारा एंकर पॉइंट, वो नल ऑब्जेक्ट के सेंटर में करो। तो कंट्रोल होल्ड करो, एंकर पॉइंट डबल क्लिक करो, वो सेंटर पे आ गया। अब नल को उठाओ अपने और अपने फ्लाई के ऊपर रखो, रख दिया। अब नल का जहां सेंटर पॉइंट है ना, वहीं पे फ्लाई का भी सेंटर पॉइंट कर दो, क्योंकि वो नल के अकॉर्डिंगली जाए। फिर हुआ, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। अब क्या करना है, तुम्हें नल को एनिमेट करना है, फिर नल का चाइल्ड बना देना है मक्खी को। ठीक है, सबसे पहली चीज अभी नल को पेरेंट बना दो। ये जो ऑप्शन होता है पेरेंट चाइल्ड, ये होता है जैसे चाइल्ड जो होता है हमेशा अपने पेरेंट को फॉलो करता है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्लाई है फ्लाई को नल का चाइल्ड बना देंगे। तो ये जो ऑप्शन है, ये एक तरीके का सर्कल जो दिख रहा है, ये हैंड है, तो फ्लाई का हैंड हम नल को पकड़ा देते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग करते हैं और नल को बुलाते हैं। यहाँ नल वन लिख क्या रहा है, अब क्या नल वन को हम जहां पे मूव करेंगे वहीं पे फ्लाई जाएगी, जा रही है, चाहे हम किधर भी मूव कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। सर ये रेड कलर को हम वो कर देंगे, चेंज कर देंगे कलर मोशन नहीं, रेड कलर तो दिखाई नहीं देगा तुम्हें, रैंडम ये दिखाई नहीं देगा, ये तो नल मतलब जीरो, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये सिर्फ एनिमेशन में हेल्प करने के लिए होती यूज होता है। तो नल को मैंने यहाँ लगा दिया, अब कुछ नहीं करना है, बस अपने नल को तुम्हें पकड़ के एनिमेट करना है। सबसे पहले पेरेंट चाइल्ड से हटा देते हैं, नन कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे, जब एनिमेट कर देंगे उसके बाद करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर देख रहा मोशन में, तो स्टार्ट कैप्चर क्लिक करो और अपना नल पकड़ के जैसा भी एनिमेशन चाहिए वो एनिमेशन कर दो। कीज लग गई, अब अगर देखोगे नल तुम्हारा उसी पाथ पे जा रहा है, जा रहे हैं, क्लियर ये चीज। अब अपनी जो फ्लाई है उसको नल का चाइल्ड बना दो, तो क्या होगा, तो मक्खी भी वहीं जाएगी, जा रही है। अब इसमें एक ऑप्शन होता है, मक्खी क्या है कि अभी नॉर्मल ऐसे है, हम चाहते हैं ऐसे ऐसे मूव होते हो जाए, पाथ के अकॉर्डिंगली मूव हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो, हो कहाँ गए थे,